कोरोना काल से ग्राम पंचायतें हुई प्रभावित। भरतपुर जिले की पंचायत समिति नदबई ग्राम पंचायत नयाबास के सरपंच राहुल कुमार जाटव, जिनके सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र कुमार जाटव ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि कोरोना काल के दौरान ग्राम पंचायत काफी प्रभावित हुई, लेकिन जिस प्रकार पहले भी जनता का साथ दिया, आगे भी जनता का साथ दूंगा। तो आइए जानते हैं राजेंद्र खिच्ची के साथ समाज सेवी नरेंद्र कुमार जाटव के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं राजेंद्र खिच्ची आरपीडी न्यूज से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नयाबास के सरपंच श्रीमान जी राहुल जी जाटव, सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र जी जाटव से करते हैं खास मुलाकात। तो नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सरपंच साहब, आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, ग्राम गाजीपुर, पंचायत अपनी नयाबास पड़ती है, पंचायत समिति नदबई, जिला भरतपुर रहने वाले हैं सर। तो सरपंच साहब, आपका राजनीतिक करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बस यही शुरुआत हुई है आपकी बार भतीजे को चुनाव लड़ाया जी सरपंच के पद पे और जीत हासिल हुई, और उसके साथ साथ सरपंच के साथ साथ मैं भी देखभाल करता हूँ सरपंच की जी जी, और काफी कुछ बढ़िया चल रहा है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत नयाबास की, तो वर्तमान में शिक्षा का स्तर कैसा चल रहा है? नयाबास से पूरी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर एकदम बेहतर है जी। सभी स्कूलों में मैंने अभी काम किया है जी जी, और सभी स्कूलों की देखभाल करता हूँ मैं जी जी। तो सभी स्कूलों में जो अध्यापक हैं, अपने जो विद्यार्थी हैं, सबका तालमेल एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। तो सरपंच साहब, बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका शिक्षा स्तर बिल्कुल हमारे छात्र के बराबर ही है जी। हम ये नहीं समझते कि छात्र क्या है, छात्राएं क्या है जी, दोनों को बराबर ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात बताई। कहते हैं सरपंच साहब, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही ढड़ेगा। शिक्षा के साथ साथ बात करते हैं बच्चों की रुचि खेलों में भी आगे भावना होती है, खेलों में भी जाने की जी। तो आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान की कैसी व्यवस्था है? बिल्कुल सर जी, हमारा जो बड़ा स्कूल है ग्राम पंचायत में नयावास में, जो बड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें एकदम बढ़िया मैदान है। वहाँ पे जो पीटी सर जी हैं, बहुत अच्छे बच्चों को अग्रसर कर रहे हैं खेलों के प्रति जी जी। और अब ये जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों की सरकार ने योजना बनाई है, इसमें भी काफी बच्चों ने भाग लिया है जी जी। आगे देखते हैं, जब ये चालू होंगे तो अच्छी रुचि रखेंगे बच्चे। चलो, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब, आप बच्चों को आगे प्रेरित कर रहे हो। तो शिक्षा के साथ साथ सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे नयाबास ग्राम पंचायत की। अभी वर्तमान में पंचायत स्तर पे आपके सड़कों का स्तर कैसा है? यहाँ का हमारे यहाँ पे सड़कों का स्तर तो थोड़ा हल्का ही है जी, क्योंकि जो मेन सड़क है नदबई से खेलने, वो भी काफी खराब पड़ी हुई है जी जी। अब उसके जब वही सही नहीं हो रही है, तो गांव में तो सड़कें कहाँ से सही होंगी जी जी। तो सड़कों का स्तर तो थोड़ा खराब है, लेकिन फिर भी सुधारने का प्रयास तो कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। मैंने अभी अपनी जितनी भी सड़कें हैं, वो ग्राम नरेगा से सही सड़क करा के लाया हूँ जिला परिषद से। अभी जो ये फसल कटेगी, सबको सड़कों को मैं ग्रेवल करवा दूंगा, उसके बाद मिसिंग लिंक में जुड़वा के कोशिश रहेगी कि हमारे मेरे हिसाब से मतलब ग्रेवल सड़क डाबरीकरण भी करवाया जाए जी जी। इसके लिए आप प्रयास रहता हूँ जी जी। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अपने चिकित्सालय की, हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र की। तो वर्तमान में पंचायत स्तर पे उप स्वास्थ्य केंद्र की कैसी व्यवस्था है? ठीक है सर जी, अपने 5 किलोमीटर के दायरे में वरुण छार पड़ता है जी। वहाँ पे अपनी बीएससी पड़ती है, जो जब भी कोई ऐसी समस्या आती है तो वहाँ के डॉक्टर भी अच्छे हैं, वो अपनी टीम को लेके तुरंत हमारे गांव की तरफ भाग चलते हैं। कोई ऐसी महामारी आती है, जैसे कोविड आया था जी, तो कोविड में डॉक्टर ने, पूरे स्टाफ ने जी बहुत अच्छी मदद की हमारी जी जी। जैसे ही कोई पेशेंट आता है तो उसकी देख रेख कैसे करनी है, काफी उनके घर वालों को समझा के उसको क्वारंटाइन करके, कुल मिला के है। तो ये कहूंगा कि अपने यहाँ पे तो बीएससी नहीं है अपनी ग्राम पंचायत में, लेकिन बरौली शहर 5 किलोमीटर दायरे में पड़ता है। काफी अच्छे प्रयास रहे उन डॉक्टरों के, जिन्होंने कोविड महामारी हमारा साथ दिया। कहने का मतलब है, आपने कोरोना पे आपने पूरी पंचायत वासियों को भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पालन करवाया जी सर जी, बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेंगे? सर अभी तो ये मानो कि हमें चुनाव लड़े हुए 2 साल हुए जीते हुए जी जी, तो तब से लेके आज तक तो सरकारी जो योजना है काफी कोरोना से प्रभावित रही है जी जी। लेकिन आगे जैसे ही योजनाएं चालू होंगी जी, हम जनता के समक्ष लाएंगे, जनता को लाभ दिलाएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए भी आप प्रयासरत हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो, बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, आजकल की युवा पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी थोड़ा नशे प्रवृत्ति की ओर ज्यादा अग्रसर हो रही है, तो आप ग्राम पंचायत वासियों को नशा प्रवृत्ति पे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहता हूँ सर जी की नशा गलत है जी, और इसको रोकने के लिए हम सबको ही प्रयास करने चाहिए जी जी।
और जहां तक मैं देखता हूं कि जो शहरी लोग हैं उनके देखते हुए तो ग्रामीण लोगों में काफी सुधार है जी जी। क्योंकि मैंने नशा जो प्रवृत्ति है वो शहरों में ज्यादा देखी है, गाँव में कम है जी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्राम पंचायत नयावास है इसमें 5-6 नगरा पड़ते हैं छोटे 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 जी जी। तो कुल मिला के है नशीले लोग हैं लेकिन इतना नहीं जो औसतन और गाँव में देखता हूँ जी जी। तो काफी सुधार है मेरे हिसाब से तो जी जी। नशा की और नशा से दूर रहने का लोग प्रयास कर रहे हैं जी जी। जो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब, नव वर्ष 2022 आ रहा है तो पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचायत वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे ही 2 साल पूरे हो रहे हैं मेरे, जैसे मैंने आज तक उन लोगों का साथ दिया है पूरे पंचायती लोगों का, ऐसे ही आगे साथ देता रहूंगा उनका, उनकी मुसीबत में, उनकी हर समस्या में, जैसे भी मुझे बनता है मैं उनका साथ देता रहूंगा। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने RPT न्यूज को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, आपका धन्यवाद।